खत्री युवा संगठन की ओर से प्रधान चंदन महिंद्रू की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से सतीश महिंद्रू और खत्री महासभा के प्रधान राजेश पुरी ने शिरकत की। इस मौके पर उन लोगों को वैक्सीनेशन किया गया जिनका या तो दूसरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं थी या फिर 18 वर्ष के युवाओं को इसका लाभ दिया गया। आज बड़ा खुशी का मौका है, आज साढ़े खत्री सभा के प्रांगण युवा प्रधान चंदन महिंद्रू की अध्यक्षता से आज साढ़ा छोटा कैंप अगर लगाया जा रहा है। चंदन महिंद्रू जी हमेशा ही खत्री सभा के कामों को और लोक सेवा वास्ते भलाई वास्ते हमेशा ही अग्रिम लेंदे ने। यह भी एक पार्ट है जोड़ा उन्होंने वो वैक्सीन जोड़ा अब कैंप लगाया हुआ है। मैं चंदन महिंद्रू जी को बहुत बहुत बधाई देना, उन्होंने टीम ने भी बड़ी बधाई देना कि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन ही अज साडे खत्री सभा के प्रांगण से सरपंच श्री सतीश महिंद्रू जी, श्री नरेश कोहली जी और अदेश सियाल जी, जिला प्रधान विजय पासी चेयरमैन जी, चेयरमैन रामपाल भंडारी जी, जनरल सैकटरी रोबी वडेरा जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन एन पी तवन जी, टी आर पासी सी जिला चेयरमैन और आर के खन्ना जी जो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है, उन्होंने नाल उन्हों की प्रधान और पूरी युवा टीम ने अब शिरकत की है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि इन्होंने जोड़ा अच्छा कार्य करके खत्री सभा का नाम पठानकोट की पूरे हिंदुस्तान से रोशन कर रहे हैं। जिस तरह की तुम्हें पता है अज कोरोना की महामारी फिर फैल गई है और नवे वेरियंट आ रहे हैं, डेल्टा आ रहा, ओमिक्रोन आ रहा है। इसी मद्देनज़र रखते हुए सारे पठानकोट के वासियों को यही अपील की जाती है कि जिन्हें भी पठानकोट कैंप लगे है, जिद खत्री सभा भी कैंप लगे है, आके अपनी वैक्सीनेशन लगा। यह जी वैक्सीनेशन है जिन्होंने एक डोज नहीं लगी, दूसरी डोज भी नहीं लगी, वो भी आ सकते हैं। और जी बूस्टर डोज है जिन्हों सैकेंड डोज 90 दिन हो गए लगे ने, वो अपनी बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। युवा शक्ति युवा खत्री सभा के प्रेजिडेंट चंदन महिंद्रू की प्रधानगी हेठ पिछली बार चार बारी चौथी मा चौथा अज वैक्सीनेशन का कैंप जोड़ा खत्री सभा के लगाया गया और इतने अज साडे प्रेजिडेंट खत्री सभा राजेश पुरी जी, सरप्रस्त नरेश कोहली जी, विजय पासी जी, भंडारी साहब रामै भंडारी जी, खन्ना जी, आदेश शाह जी, टी आर पासी जी, रोमी वडेरा जी, धवन साहब सारे ही खत्री सभा के मैंबर अज इतने कैंप के उत्ते आए हैं। अज शहर के सारे लोग बहुत सारे लोग अज इतने जो सरकार ने वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, मैं सर वैक्सीन में अपील करता है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जोड़े है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो वैक्सीनेशन करा लैन, क्योंकि बहुत जरूरत है इस वे जिन्हें तेजी के नाल कोरोना फिर अपना पैर पसार रहा। मैं सारे शहर वासियों को अपील कराँगा कि सरकार ने जरा डिफरेंट डिफरेंट जगह के उत्ते कैंप लगाए ने, और जो खत्री सभा जो युवा विंग ने भी लगाया तुम सारे इतने आओ और आके कैंप के लिए जिन्होंने इंजैक्शन नहीं लवाए वो आके इंजैक्शन लवा। मैं युवा विंग के सारी टीम का बहुत बहुत आभारी है। इस तरह ही समाज के काम करते रहन। सारे जानते ही हो खत्री सभा हमेशा सेवा से कार्य करती है। खत्री युवा संगठन के प्रधान ने मेहनत करके ये कैंप लगवाया खत्री सभा, क्योंकि युवा की जी टीम है पिछले भी तीन कैंप लगा चुकी है। कल ही टेलीफोन आया साडे प्रधान जी का, चंदन महिंद्रू जी का, परसा विच कैंप जरूर लगाना चाहिए, तो उन्होंने मेहनत करके अज इतने तीन कैंप लग गया। मैं खत्री युवा संगठन की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जिहड़ा कि ये कोरोना द्वारा भारत पैर चला रहा उन्होंने रोकने वास्ते इंजैक्शन लगाना बहुत जरूरी है। इतने पहली डोज भी लग रही है, दूसरी डोज भी लग रही है,
बूस्टर डोज भी लग रही है जेडे 60 साल तो उपर जेडे लोग 60 साल तो उपर है और 90 दिन हो गए हैं 9 महीने हाँ 9 महीने जिन्होंने हो चुके हैं उन्होंने बूस्टर डोज लग रही है। उम्र उन्होंने 60 साल तो उपर होनी चाहिए। ये कैंप जो बाद 10 बजे तो लैके शामी 4 बजे तक चलूगा। मैं पठानकोट के लोगों को बेनती करना कि जिन्हें लोगों ने हल तक पहली डोज नहीं लगाई या दूसरी डोज नहीं लगाई वो इतने आके कैंप का फायदा उठाओ क्योंकि कोरोना हम फिर बहुत ज़्यादा फैल रहा। जिस वे भी घरों निकलना उस वे मास्क पा के रखो, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, कोई चीज़ भी जिस वे खानी हो हाथ धो के खाओ। मैं एक बार फिर पठानकोट के लोगों को बेनती करता है कि खत्री भवन के खत्री युवा संगठन जरा कैंप लगाया हुआ उसका फायदा उठाओ खतरी भवन के जोड़ा अज कोविड-19 का कैंप लगाया गया जिसे फर्स्ट डोज सैकेंड डोज तो बूस्टर डोज की फैसिलिटी है। इतने आए सारे खतरी सभा के सरप्रस्त का खतरी सभा के जिला इकाई का खतरी सभा का मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करा। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।